Health Conclave Fitness First, a step towards becoming healthy and fit, co-powered by Reliance Industries Limited. आगे बढ़ते हैं थर्ड सेशन की तरफ, जिसका नाम है ग्लोइंग चर्चा। हर किसी की चाहत होती है कि वो सुंदर दिखे, स्मार्ट दिखे, और उसका मेन फैक्टर हमारी स्किन होती है। तो हमारा ये सेशन ग्लोइंग स्किन पे डेडिकेटेड है। टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू इनवाइट माय कोलीग अदिति त्यागी टू प्लीज कम ऑन स्टेज। Come on stage. First we have Dr. Varun Singla, MBBS, MS General Surgeon, MCH Plastic Surgery, Alchemist. Everybody please put your hands together, please. Welcome, sir. Please have a seat. Then we have Dr. Parminder Shaman, MD, Panache Skin, Hair and Laser Clinic. Welcome, ma'am. Then we have Dr. Rahul Mahajan, Additional Professor, Department of Dermatology, PGIMER. Over to you, Aditi. थैंक यू। आप लोगों ने जिस तरह से ताली बजाई है ना, जो कंजूसी की आपने, अगर मैं इनमें से किसी की सीट पे बैठी होती आपको बिल्कुल नहीं बताती कि ग्लोइंग त्वचा कैसे मिलती है। और ये एक ऐसी चीज है, मुझे पूरा यकीन है यहाँ पे लोग भले ही हाथ ना उठाएं लेकिन चाहते सब है कि त्वचा एकदम चमकीली हो, चमकती हुए एकदम, राइट? आई नो एवरीबडी। वही अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि हमें शायनेस होती है, हम खुल के बात नहीं करते, इनहिबिशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन जोरदार तालियां प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। उसके बाद मैं आपके लिए आप ही से ताली बजवाऊंगी। सो सबसे पहले जो यहां पे सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा है, मैं उनसे सवाल लेती हूँ, डॉक्टर परमिंदर, इसमें कोई गैसेस नहीं है, आपकी साड़ी एकदम ग्लो कर रही है और आप इतना ग्लो कर रही है, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, ये जो ग्लोइंग स्किन तो ठीक है, वॉट इज अ हेल्दी स्किन? ये आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर परमिंदर चमन, फाउंडर डायरेक्टर पनाश स्किन हेयर एंड लेजर। इज शी ऑडिबल एट द बैक? एम आई ऑडिबल? हाँ, नाउ यू विल हैव टू होल्ड द माइक क्लोजर। और या हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर परमिंदर चमन, फाउंडर डायरेक्टर पनाश स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक इन सेक्टर 8C चंडीगढ़। सो ग्लोइंग स्किन इज ऑलवेज योर इनर ब्यूटी, इनर हेल्थ। तो हम अभी भी जो पहले हमसे डिस्कशन हुए हैं जिसमें हमने बोन हेल्थ और हार्ट हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मेरा जो मेन प्रैक्टिस का फोटे है वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है अलोंग विद योर स्किन। सो आई ऑलवेज मोटिवेट पेशेंट्स, माय क्लाइंट्स, टू बी हेल्दी, डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ईट हेल्दी एंड डू अ रेगुलर स्किन केयर रूटीन कि उनकी स्किन जो है वो अच्छे से ग्लो करे। अगर आप सिर्फ टॉपिकली स्किन पे कुछ लगाते जा रहे हैं और इंटरनली अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, यू विल नेवर हैव अ ग्लोइंग स्किन। And सबसे important to have a glowing skin is always be happy and positive. This is my main mantra. तो be happy and be positive. COVID के time पे हम कहते थे बस positive मत हो ना, बाकी कुछ भी हो ना, लेकिन now we are back to the era where we can say be positive, be happy. और happiness तो मुझे लगता है कि अगर हम happiness index पे खुद को देखें तो we aren't doing that well over there, though the ground reality may be very different from what the index shows. लेकिन यहां पे डॉक्टर वरुण, मैंने जो भी मैम से पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी है, एक हेल्दी स्किन का पैमाना क्या है? वो स्किन जो एकदम क्लियर हो, जो कि मैंने बहुत ही गिने चुने लोगों की देखी अपनी लाइफ में, या वो स्किन जिसमें ग्लो हो, क्या है पैमाना, क्या है एग्जैक्ट? हेल्दी स्किन आई थिंक पर्सनल पर्सपेक्टिव ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वॉट यू थिंक इज हेल्दी। जैसे कई लोग, आई मीन वंस लेडीज डू मेकअप एवरीथिंग लुक्स हेल्दी, बट आई थिंक हाइड्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड लेस ऑफ केमिकल्स वॉट आई बिलीव ऑन द स्किन। जितना मेकअप वगैरह होता है, इफ यू आर यूजिंग पुअर क्वालिटी मेकअप एंड एवरीथिंग,
लीड्स टू एंड इवन ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो जैसे आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए मैम विल सेकंड मी ऑन दैट कि एक बार उन्होंने क्रीम दे दी एंड पेशेंट्स कीप यूजिंग दैट क्रीम फॉर अ ईयर एंड दे विल नॉट फॉलो अप उसमें क्या है दे डू नॉट नो कितने पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल स्किन खराब करके कि हमने तो ये दी थी जी 2 साल पुरानी प्रिस्क्रिप्शन निकालेंगे हम तो वापस गए नहीं टाइम नहीं था ये नहीं था एंड इट एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयज द स्किन दैट वे है ना बाकी हाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज यू सेड वाटर ड्रिंकिंग एंड एवरीथिंग दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड अ बेसिक सनस्क्रीन एंड अ बेसिक नाइट केयर रूटीन जो कि मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन हैव फॉर अ हेल्दी स्किन रेस्ट एवरीथिंग आर केमिकल्स बेसिकली सो डू आई हैव हेल्दी स्किन मुझे पता है यहाँ पे लोगों को अपने बारे में बात करने में इनहिबिशन है मुझे कोई नहीं है आई एम लाइक एन ओपन स्किन के बारे में सब बात करना चाहेंगे डू आई हैव हेल्दी स्किन डू आई हैव मेकअप एज यू पॉइंटेड आउट आई डोंट नो वेदर राइटली पॉइंटेड आउट बट यू पॉइंटेड आउट सो डू आई हैव हेल्दी स्किन डिस्पाइट हैविंग मेकअप ऑन माई फेस बट स्टिल इट फील्स लाइक दिस कि यू हैव क्वाइट अ गुड लेवल ऑफ हेल्दीनेस इन योर स्किन बाकी we can schedule yeah so I want to actually I want to have healthy skin I don't have I have no qualms in admitting this so sir main aapse ye janna chahti hu ki agar yahan pe jo log baithe hain inhe glowing twacha hamare yahan to ek to glowing twacha aur fairness sabko gora hone ka bada shauk hai aur usme logo ko main blame nahi karti hamare yahan pe jo pure societal taboos hain ya jo थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था बॉलीवुड का कि भाई गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा क्यों भैया हम सांवले हमें चश्मा लगाने का हक नहीं है या चांद सी महबूबा हो मेरी अब चांद में तो इतने गड्ढे हैं तो ये जो फिक्सेशन है गोरे से चिटिया कलाइयां मतलब कहीं पे तो सांवले को तो कोई वैल्यू ही नहीं है मतलब क्योंकि हमारे यहां वो परसेंटेज शायद सबसे ज्यादा होगी एंड व्हेन आई स्पेंड अ कंसिडरेबल टाइम अब्रॉड एंड पीपल यूज टू लव माई स्किन बिकॉज दे डोंट फाइंड व्हिटिश स्किन लाइक दैट दे गो आउट दे गेट टैंड because they want that sort of skin so wo mujhe lagta hai ki kahin na kahin this is what I felt and it's a very personal thing that jo hamare paas hai uski value hum karte nahi hai and we go on chasing ki mujhe to gora dikhna hai mujhe to you know that somewhere that need to be accepted I agree with you wholeheartedly and there is another song kala shah kala so it's not like that everything has to be about the whiteness only बट मैं आपके सेंटिमेंट से पूरी तरह अग्री करता हूँ कि जो हमारे कल्चरल मे बी फ्यू थिंग्स आर इनग्रेन्ड इन सम ऑफ अवर सोसाइटी जहां पे अवर एप्रिसिएशन ऑफ द फेयरर कॉम्प्लेक्शन इज परहैप्स अ बिट मोर कम्पेयर टू द स्लाइटली डार्कर कॉम्प्लेक्शन दैट नीड्स टू बी चेंज्ड एट द सोसाइटल लेवल ऑल्सो बट कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड कि अगर आप हेल्दी स्किन की बात करें तो दो एस्पेक्ट से आप कह सकते हो एक तो है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज एब्सेंस ऑफ डिजीज कोई आपको मेडिकली डायग्नोज कोई डिजीज नहीं है दैट विल बी वन क्राइटेरिया टू से यू हैव अ हेल्दियर स्किन एंड सेकेंड जो आपने भी कहा कि वन हैज टू फील फेयरली कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन जो वो हैं कोई और चीज में बदल नहीं सकते आप दुनिया की कोई ताकत लगा लीजिए ठीक है वी हैव अ लॉट ऑफ मतलब जैसे आपका सेशन का नाम ही है ग्लोइंग सेशन कहीं ना कहीं हमने अपनी स्किन को बहुत ही नैरो डाउन कर दिया है जस्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ वेदर इट इज अपेयरिंग ग्लोइंग और फेयरर सो दोज थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड अगर किसी को पोस्ट एक्ने स्कार्स हैं दैट डजेंट मीन कि उसका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाए कि वो अपने इंटरव्यूज में अपेयर ना हो सके अच्छा अगर किसी को झाइयां हैं तो अगर उसका कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं लो होना चाहिए या फिर कोई अगर सांवला है तो दैट शुड नॉट इंटरफेयर विद देयर कॉन्फिडेंस लेवल्स और देयर डे टू डे एक्टिविटीज सो ये सारी चीजें मेडिकली ट्रीट भी हो सकती हैं बट एक्सेप्टेबिलिटी एक लेवल पे बहुत जरूरी है हमारे एंड इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्या होता है जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि देन पीपल टेंड टू यूज ओवर द काउंटर ड्रग्स क्रीम्स आधी से ज्यादा क्रीम्स में उनमें टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं एक बार आप स्टीरॉयड लगाना शुरू कर देते हैं स्किन थिन होना शुरू हो जाती है उसके बाद दैट लीड्स टू अनदर कॉम्प्लिकेशन हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल उनका स्किन सिर्फ इसीलिए खराब हुआ बिकॉज उन्होंने केमिस्ट से जाके कोई फेयरनेस आई वॉन्ट नेम द ब्रांड्स पर से बट फेयरनेस के पीछे भागते भागते उन्होंने अपनी सारी स्किन खराब की
एंड तीसरा एस्पेक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ हमारे सोसाइटी, हमारे आप देखा जाए पूरे कंट्री में ही क्वैकरी पर से, जहां पे अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को, दैट इज अ बिग इश्यू। हम कोविड की तो बात बहुत करते हैं, बट हमारी पब्लिक को ये नहीं पता शायद कि पिछले 7 सालों में या ऑलमोस्ट 10 सालों में जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उनका जो अकरेंस है पूरी हमारी कम्युनिटी में, इट हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। 10 टाइम्स शायद मैं अंडरस्टेटमेंट कह रहा हूं, एंड उसका एक मेन रीजन है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टीरॉयड क्रीम्स। लोग जैसे एक, आप मानेंगे नहीं, एक क्रीम में आपका आता है स्टीरॉयड क्रीम जिसमें स्टीरॉयड पड़ा है, उसी के अंदर एंटी फंगल भी पड़ा है, उसी के अंदर एंटी बैक्टीरियल भी पड़ा है और उसके अंदर एंटी वायरल भी पड़ा है। आप क्या सोचते हैं अगर फॉर एग्जांपल किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाए और वो क्रीम लगा रहे हैं, तो एक तरफ से तो उस क्रीम के अंदर एंटी फंगल पड़ा है जिसका काम है उसको ठीक करना, और दूसरी तरफ उसके अंदर स्टीरॉयड क्रीम पड़ी है जो फंगस को बढ़ावा देती है। आप कभी कोई भी मान सकता है कि दो ऑपोजिट चीजें पड़ी हैं उस क्रीम के अंदर, और दिस इज रैम्पेंट इन इंडिया। सो वो कभी इंसान ठीक हो सकते हैं, एंड वो चीजें हमारे पास आती हैं 4-4 साल से फंगल इन्फेक्शन लेकर। सो मेरा कहने का ये रहेगा कि हेल्दी स्किन इज लाइक यू मेक श्योर दैट यू डू ऑल द रूटीन एक्टिविटीज, यू डिस्ट्रेस योर सेल्फ, यू टेक एडिक्वेट वाटर, यू अप्लाई योर सनस्क्रीन्स, यू अप्लाई योर मॉइस्चराइजर्स, डेली रूटीन करना इज पार्ट ऑफ अवर प्रैक्टिस ओनली, बट कीप अवे फ्रॉम ओवर द काउंटर क्रीम्स बिना डॉक्टर एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बिना। आप ना तो कोई अननेसेसरी क्रीम्स यूज कीजिए, और स्पेशली देखिए कि उनके अंदर स्टीरॉयड तो नहीं, आजकल हर किसी के पास गूगल तो है ही है, यू कैन इजिली चेक। और दूसरा, ना ही अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स के पास कोई अपना विजिट कीजिए फॉर एनीथिंग, मेडिकल एडवाइस और कॉस्मेटिक एडवाइस। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, आई एम नॉट फेयर बट आई एम लवली। तो लेकिन एट द सेम टाइम मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ कि जो हमारे यहाँ कॉस्मेटिक मार्केट है 23 के लिए उसका नंबर था 8.1 बिलियन, एंड आई थिंक 2032 तक जो प्रोजेक्शन है दे से 18.4 बिलियन। तो ये जो कॉस्मेटिक्स की मार्केट ग्रो कर रही है, इसके पीछे वॉट एग्जैक्टली इज गेटिंग इन टू इट? सी, आजकल जो है आफ्टर कोविड ये ज्यादा बड़ा है, और हम लोगों ने भी अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, अपने आप को बहुत देखते थे। सोशल मीडिया हैज कम इन टू रोल, सोशल मीडिया के कई फायदे भी हैं, और एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके भी लोग हमारे पास आते हैं। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे मेरा मेन प्रैक्टिस का एरिया एस्थेटिक्स है, तो कई बार इस तरह की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके लोग आते हैं, किसी हीरो या हीरोइन की पिक्चर लेकर हमारे पास आएंगे कि हमें इसके जैसा बना दें। गोरा होना, जैसा कि आपने कहा कि ये एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है हम लोगों की ओपीडी में, कि लोगों को फेयर दिखना चाहता है। इंडिया में सुंदरता को फेयरनेस से कंपेयर किया जाता है। अब हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे लोगों में इस तरह की जो धारणाएं हैं उसको हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि वी कैन मेक यू लुक ब्राइटर, डोंट आस्क अस टू मेक यू फेयरर, बिकॉज योर कलर इज जेनेटिक। सी, इफ यू हैव गुड फीचर्स, यू हैव हेल्दी स्किन, तो आपका चेहरा ग्लोइंग है। लेकिन ये धीरे धीरे एक्सेप्ट करना, जैसे जैसे हम अवेयर करते रहेंगे लोगों को, तो एक्सेप्टेंस आती जाएगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टीरॉयड का जो ओवर यूज होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि आपने एक बार प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को दी है तो वो अपने आप, स्किन का मतलब है ट्यूब, उनके लिए कोई ट्यूब बता दो, गोरे रहने की ट्यूब बता दो, छाइयों की ट्यूब बता दो, दे ओनली मीन। लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचते कि स्किन सिर्फ एक ट्यूब नहीं है, उसमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, डायग्नोसिस कराना पड़ता है, तब जाके आपको उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इजिली ओवर द काउंटर स्टीरॉयड्स जो है वो बहुत इजिली मिलते हैं, और स्किन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बिंदु है जो आपने भी हाईलाइट किया, कि हम देखते हैं स्पोर्ट्स में स्टेरॉयड्स, मुझे याद है कोविड को क्योर करने के लिए स्टेरॉयड्स, वहां पे वो जरूरी था, स्पोर्ट्स में नहीं है। कई बार मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जरूरी है, लेकिन स्किन के लिए स्टेरॉयड ये क्या है? नहीं, स्टीरॉयड इज अ लाइफ सेविंग ड्रग व्हेन गिवन बाय अ
रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर. हम लोग कई डिजीजेस में, जैसे कोविड में भी यूज होता था, ऐसे कई डिजीजेस में स्किन की भी यूज होता है. रिगार्ड्स टू स्किन, या लेकिन उसका इन एडवर्टेंट यूज, लाइक हमने एक बार प्रिस्क्रिप्शन दी, सपोज हमने 5 दिन का स्टीरॉयड का कोर्स दिया, पेशेंट की कुछ एलर्जी ठीक हो गई, उसको जब भी प्रॉब्लम होगी वो हमेशा वो स्टीरॉयड्स बार बार ले लेगा. कई बार कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आया और हमें स्टीरॉयड्स देने की जरूरत है, उन्हें फॉलोअप के लिए बुलाए, वो फॉलोअप के लिए आते ही नहीं, वो अपने घर पर ही वही प्रिस्क्रिप्शन जो है रिपीट कर करके लेते रहते हैं. देयर यू सी दी साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टीरॉयड्स. ऐसा नहीं है कि स्टीरॉयड इटसेल्फ इज अ बैड ड्रग, स्टीरॉयड अब्यूज इज बैड. जो कि इजिली दवाई का मिल जाना अनक्वालिफाइड सैलोन्स में, और इस तरह से जो कि इतने लिटरेट नहीं होते हैं, जिनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती, उनसे मेडिसिन लेना, प्रिस्क्रिप्शन उनकी यूज करना, जिन्हें मालूम नहीं है कि स्टीरॉयड के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स और भी हो सकते हैं आपकी स्किन पे. एक्ने को ठीक करने के लिए स्टीरॉयड लगा लेते हैं, छाइयों को ठीक करने के लिए स्टीरॉयड लगा लेते हैं. उससे क्या होता है कि स्टीरॉयड एक तरह से डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन भी करता है, तो आपको लगता है कि आपका स्किन जो है बहुत फेयरर लग रहा है, शाइनिंग लग रहा है, पर वो थिनिंग करता है आपकी स्किन की. थिनिंग करता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं. इट इज लाइक एन एडिक्शन, पेशेंट गेट्स एडिक्टेड टू द यूज ऑफ स्टीरॉयड. उसको लगता है कि जब तक मैं ये ट्यूब लगाता था तब तक मेरी स्किन बहुत बेटर लगती थी, अब जब से मैंने छोड़ी है मुझे दाने और छाइयां आने लग गए, जबकि वो दाने और छाइयां ट्यूब छोड़ने से नहीं आ रहे हैं, उस ट्यूब के साइड इफेक्ट से आ रहे हैं. धीरे धीरे उन लोगों को एक्ने बढ़ने लगेंगे, डार्क पैचेस फेस पे होने लगेंगे, एक्ने बढ़ेंगे, साथ साथ में हिर्सिटिज्म स्किन पे, उनके फेस पे हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज होने लगती है, जो कि वो रियलाइज ही नहीं करते. स्किन थिनिंग होती है, सन से सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको फोटोडर्मेटाइटिस होने लग जाता है, वो कई बार सन एक्सपोजर की वजह से स्किन बर्न्स होने लग जाते हैं. तो जब भी आप किसी अपना स्किन केयर रूटीन भी बनाना चाहते हैं, तो आप क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और उनसे आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं अपनी स्किन चेक करवा के, कि मेरी स्किन पे क्या सूट करेगा. कई बार हर मौसम की सनस्क्रीन भी सेम नहीं होती, आपको कभी कोई सनस्क्रीन सूट कर रही है, हो सकता है ह्यूमिडिटी में आपको ना सूट करे. यू डोंट हैव टू लीव द सनस्क्रीन, इट इज द बेस्ट एंटी एजिंग मेडिसिन. सनस्क्रीन अगर आप लगाते हैं आपको लाइफ में जल्दी रिंकल्स नहीं पड़ते. आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे जाके एडवाइस लेनी है कि ये मेडिसिन से मुझे ये प्रॉब्लम आती है, प्लीज चेंज द मेडिसिन, या मैं अब क्या लगाऊं. और आजकल जो ब्यूटी ब्लॉगर्स हो गए हैं या सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं बहुत सारे, जो कि विदाउट प्रॉपर नॉलेज और विदाउट मेडिकल डिग्री अपने प्रोडक्ट्स जो हैं बताते हैं, डिफरेंट कंपनीज मार्केटिंग के लिए उन लोगों को हायर करती हैं और अपने कोलैप्स कराती हैं, बिकॉज उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं. लोगों को लगता है इन्होंने जो भी लगाया है, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट फिल्टर्स दे आर यूजिंग ऑन देयर फेस, या वो क्या चीज स्किन के क्लिनिक में जाके कराते हैं. दे माइट बी टेकिंग पीआरपी फॉर द फेस, दे माइट बी टेकिंग स्किन बूस्टर, दे माइट बी टेकिंग बोटॉक्स और फिलर्स, बट दे विल नॉट टेल. आज तक आपने किसी सेलिब्रिटी को, बहुत रेयरली अब कुछ बोलते हैं, लेकिन सब लोग यही बोलते हैं मैं ऑलिव ऑयल लगाती हूँ और मैं बहुत पानी पीती हूँ इसलिए मैं अच्छी लग रही हूँ. दिस इज नॉट सो. यू जस्ट कैन नॉट लुक मैजिकली गुड विदाउट एनी एस्थेटिक प्रोसीजर्स अनलेस यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड. ठीक, ये थोड़ी देर पहले यही हम सेशन में बोले थे कि भाई सेल्फ अपॉइंटेड डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दीजिए. ये जो अभी जैसे मैम ने भी बोटॉक्स का जिक्र किया, हम सुनते हैं लोगों से प्लास्टिक सर्जरी, नाक की सर्जरी करा ली, चिन ठीक करा ली, ये क्या ये ट्रेंड्स अब इंडिया में भी आप देखते हो, केसेस इस तरह के वो बढ़ रहे हैं ना? सोशल मीडिया जो है जहां पे फिल्टर्स बहुत लगे रहते हैं, लाइफ में फिल्टर नहीं लगता है, लाइफ में तो रियलिटी सामने आती है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया के फिल्टर्स हैं, क्या वो भी लोगों की रीजनिंग जो है उसे क्लाउड कर रहे हैं? डेफिनेटली मैम, जब सोशल मीडिया में आप देखते हो या खुद को, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ रील, सबसे ज्यादा तब मेरे को लगता है तब आता है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ रील एंड यू थिंक कि यार वो तो इतनी सुंदर लग रहे हैं, मैं क्यों नहीं लग रही, मेरी नाक खराब, देखो यहां से टेढ़ी है, मेरी चिन देखो पीछे है, दे कम टू अस विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लाइक दैट, और उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है लोगों का. बिकॉज आजकल ऑल दो सोशल मीडिया में कहता हूं आर दी हाइलाइट्स ऑफ वन लाइफ, है ना, उन किसी की भी डेली लाइफ ऐसी नहीं होती है सोशल मीडिया में दिखाते हैं, जो दे आर दी हाइलाइट्स ऑफ वन लाइफ, उनके भी डाउन है, लेकिन लोगों को अप सी अप दिखते हैं और अपनी लाइफ डाउन ही डाउन दिखती है उस वजह से. एंड जैसे कह रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह सब कुछ, एंड यू द अमाउंट ऑफ द यू सी ऑन द कैमरा, तो इवन माइनर इम्परफेक्शंस आर यू नो उनके दिमाग में बस जाती हैं कि ये है कि ये है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, एंड दीज कैन गिव राइज टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो. कई चीजों में दे आर जस्टिफाइड ऑल्सो कि ये हमारा खराब है, नाक टेढ़ी है, एंड इन दोज केसेस हम करते भी हैं, वी डू नोज शेपिंग, वी डू लिप शेपिंग, वी डू जॉ, वी डू चिन, है ना, एंड वी डू आईज,
आईलेड, लोअर आईलेड, एवरीथिंग वी डू, बट एक बैलेंस होना चाहिए. हमें बेसिकली वी ऑल्सो हैव टू ड्रॉ लाइन कि इस पेशेंट का मैं करूंगा, इस पेशेंट का नहीं करूंगा. सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई किसका मैं करूंगा और इसका नहीं करूंगा? अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस, बेसिकली अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस कि मैं जो ये मैम कह रही थी कि वो फोटो लाके दिखाते हैं कि मैं करीना जैसी दिखना चाहती हूँ, मैं कृति जैसी दिखना चाहती हूँ, दो सर अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस. अगर आप कहते हैं कि मेरी नाक टेढ़ी है सीधी कराने चाहता हूँ, आई गेट इट, दैट इज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. बट व्हेन दे कम एंड से कि मैं ऐश्वर्या की 10 साल पुरानी फोटो दिखा देंगे कि आई वॉन्ट टू लुक लाइक दिस, है ना, दोज आर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. बट स्टिल देर आर, मतलब जो हम करते हैं, एंड आई हैव टू, मतलब कभी कभी ये सेशन मेरे 30-45 मिनट तक चलते हैं कि वॉट कैन बी एक्सपेक्टेड एंड वॉट कैनॉट बी एक्सपेक्टेड एंड वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन. एंड पेशेंट्स नॉर्मली इफ दे अंडरस्टैंड वेरी गुड, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड देन आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू ट्रीट दैट पेशेंट. कि अननेचुरल एक्सपेक्टेशन इज नॉट, मतलब हो ही गई है मैम आजकल, सोशल मीडिया इज अ वेरी वेरी मतलब बिग इंस्टिगेटर ऑफ दीज थिंग्स आई वुड से. एंड पेशेंट्स आर स्पेंडिंग, मतलब जो इसके पीछे भागते रहते हैं, दे आर लूजिंग टाइम मनी एंड इन दी एंड दे लूज देयर फेस ऑल्सो. अब आप देखिए कितनी सेलिब्रिटीज यू विल सी कि दे हैव पफ्ड अ फेस, यू नो दे आर डूइंग बोटॉक्स एंड फिलर्स, एंड येट आप देखोगे कि थोड़ा सा और होके आ गए, है ना, थोड़ा और खराब, इससे कुछ और खराब कर लिया अपना, कुछ और खराब कर लिया. नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी बहुत है, नेगेटिव आपको दिखते भी हैं. इवन दो दोज पीपल आर रिच डज नॉट मीन कि आप यू कीप स्पेंडिंग मनी एंड यू विल लुक बेटर, है ना. और वी डू अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच कि इसका हो सकता है एंड दिस इज द रिजल्ट यू कैन एक्सपेक्ट, नॉट सम फेरी टाइप कि यू विल बिकम अ गॉडेस द नेक्स्ट डे. ऐसा ना कोई बोलता है एंड नोबडी शुड टॉक लाइक दैट. सर जब इंडिया के बारे में बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ तो एक लंबी सी ट्रेडिशन है, जैसे घर में बेसन लगा लेना दूध में मिला के, मुल्तानी मिट्टी, और इनमें से कुछ चीजों के बारे में मैं पर्सनली भी बोल सकती हूँ कि दे बेनिफिट यू. आई हैव नॉट यूज देम ओवर अ लॉन्ग पीरियड बट दे हैव देयर ओन बेनिफिट्स. तो एक तरफ ये जो हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं, विचार मोर फ्रॉम द किचन, और दूसरी तरफ ये सर्जिकल प्रोसेसेस और ये स्टेरॉइड्स कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का मुझे लगना है, वो जो इंडिविजुअलिटी है वो माइन्यूट होती जा रही है, पीछे होती जा रही है. और क्योंकि मुझे फला जैसे दिखना है, मुझे एंजेलिना जोली जैसे दिखना है, या मुझे ऐश्वर्या राय जैसे दिखना है, नॉट दैट आई हैव टू, आई एम परफेक्टली फाइन बींग इन माई स्किन, आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट, बट ये How do you see this? Dadi Nani will always, they will always be right. You can't really argue against the age old habits. And some of, not all, but some of the age old habits. Actually, my nani had a better skin. My mother better skin than me. My mother has better skin than me, and that I can see from my own eyes. See, मैं आपको example देता हूँ. For example, कि आप मॉइस्चराइजर्स विच इज अ वेरी कॉमनली यूज थिंग इन डे टू डे प्रैक्टिस. तो हमारे यहाँ पे सबसे कॉमन मॉइस्चराइजर कौन सा है? या तो नारियल तेल है या एनी ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स. सी, सो मेरा अपना इंटरेस्ट बेसिकली, आई वर्क मोर इन पीडियाट्रिक डर्माटोलॉजी एंड जेनेटिक डिजीज ऑफ द स्किन. तो यानी कि बच्चों की जो स्किन के डिसऑर्डर्स के, सो इसमें ऐसा है कि अब एक कॉमन सवाल होता है कि हम कौन सा मॉइस्चराइजर अपने, एंड इस पर ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जिसका हमारे पास जवाब नहीं है. आप देखेंगे एक मॉइस्चराइजर है जो 1000 रुपए का है, और एक मॉइस्चराइजर है जो शायद 200-250 रुपए का है, या कोकोनट ऑयल है जो less than 100 रुपीज का भी है. एंड देर हैव बीन एक्सटेंसिव स्टडीज कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी, इन टर्म्स ऑफ देम प्रोवाइडिंग, एक्सेप्ट कि सम ऑफ द कॉस्टलियर मॉइस्चराइजर्स में मेक यू फील गुड, मे बी मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइनेस एंड एक्जिमा, ऑल मॉइस्चराइजर आर ऑलमोस्ट द सेम. सो वेन आई एम ट्रीटिंग माई पेशेंट्स विद स्किन एलर्जीज, और मुझे पता है कि दिन में 4 बार मॉइस्चराइजर लगाना है, तो अगर मैं 1000 रुपए का मॉइस्चराइजर लिखूंगा तो इनवेरिएबली वो पेशेंट या पेशेंट के पेरेंट्स इकोनॉमिकली तो सब बहुत एफ्लुएंट नहीं होते हैं, तो वो कंजूसी करके एक ही बार लगाएंगे, एंड दैट विल इफेक्ट ट्रीटमेंट एडवर्सली. रादर देन अगर मैं नारियल तेल लगाता हूँ विच बिलोंग्स टू योर दादी नानी सॉर्ट ऑफ रेजीम,
दैट विल बी सो मच मोर बेनिफिशियल टू सच किड्स एंड सच पेशेंट्स. सो दैट इज वन एस्पेक्ट. एंड सेकेंड इज सो वुड यू रिकमेंड बेसन एंड दूध टू सम क्रीम? आई वुडंट रिकमेंड, बट आई अनलेस दोज थिंग्स आर सी सम एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्किन. सो समटाइम्स इवन वेरी मिनिस्क्यूल थिंग्स कैन कॉज स्किन एलर्जीज. सो समटाइम्स योर बेसन कैन लीड टू एलर्जीज ऑन द स्किन. जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल से हम क्या देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स का, कई सारे पेशेंट्स का स्किन का पिगमेंटेशन डार्क हो जाता है. अगर हजार लोग लगा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हजार के हजार में से होगा, बट मे बी 30-40-50 में हो जाएगा. सो वी हैव टू, आई कांट मेक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि एवरीथिंग इज गुड. सो यू हैव टू बी वेरी नुआंस्ड इन योर ओपिनियन ऑल्सो. सो हम सबको, वी जनरली इन आवर ओपीडीज प्रेफर कोकोनट ऑयल बिकॉज इन जनरल दैट डजंट लीड टू एनी इरिटेशन एटसेट्रा. एंड सो that is, that would be my take. You have you to be individualized. Coconut oil, you are talking about virgin coconut oil or you are talking doesn't about matter. Just doesn't matter. Really yes. Okay, I mean, and these are fanciful things to make your prescription costlier. Jitna aap virgin coconut, jitne adjectives lagate jayenge utna aapka price of that product keeps on increasing. Olive oil, virgin olive oil, coconut oil, virgin coconut oil, they don't have an additional benefit, so as to say. Every coconut oil is virgin until you put a chemical in it. Every coconut oil is virgin. I mean, even if you take parachute or this thing, it is virgin coconut oil. You have to hold the mic close. Even if you take coconut or Marico that you use daily, it is 100% coconut oil. Unless until you put a chemical in it, everything is a virgin coconut oil only. उसमें तो कोई वो है ही नहीं. इवन फ्रेग्रेंसेस इन इट कैन कॉज एलर्जी. इवन इफ यू देख आजकल जो वेरिएशन ऑन कोकोनट ऑयल आते हैं, हॉट ऑयल जैसे ये सब चीजें आती हैं, दोस हैव केमिकल्स इन देम. ओके, है ना. अदरवाइज पैराशूट इज रिकमेंडेड फॉर कुकिंग ऑल्सो, तो दैट आर वर्जिन कोकोनट ऑयल्स. ऑयल्स की बात करें तो मैं तो कहता हूँ आजकल हेल्थ में इतना वो है, देर इज नॉट अ सिंगल स्टडी दैट कैन प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कि कौन सा खाने के लिए कौन सा तेल अच्छा है. Whether it is ghee or seed oil, आप पढ़ो seed oil which we regularly use. Mustard oil is banned in US. कि हम कहते हैं सरसों का तेल हम यूज करेंगे खाने में, हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं. That is banned in US. That is banned in I think 6-7 countries. एक नया fad आया उसमें cold pressed. Cold pressed is again virgin. है ना, cold pressed is again virgin. जो सारे virgin है आपके cold pressed, ये coconut oil is cold pressed only. जो भी आपका आता है, it has not gone through any process. जो आप करते हो, those are the healthiest oils that they tell. Those are for cooking. ये घी and one or two others that they say are healthy. Otherwise, seed oils जो आप normally consume करते हो, mustard oil, even ये canola oil, everything that they say that is those are not healthy for your heart and everything. जी, one more thing I wanted to point out. जैसे pediatric age group की भी बात हो रही है, एक influence मैं और अपनी OPD में देखती हूँ कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, 14-15 साल की लड़कियां लड़के, इन्होंने मेरे पास जब आते हैं ये कुछ स्किन रैशेस और एलर्जीज लेके, साथ में एक बैग लेके आते हैं जिसमें कम से कम 15-20 कॉस्मेसिटिकल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के सीरम्स होते हैं. और वो आते ही सबसे पहले जैसे ही बताना शुरू करते हैं, ये मेरा डे केयर रूटीन है, ये मेरा आफ्टरनून, ये मेरा इवनिंग, ये मेरा नाइट, दीज वर्ड्स दे हैव लर्न फ्रॉम द सोशल मीडिया. कई बार मेरे पास जो पेशेंट्स आए वो एक्ने उसके ठीक नहीं हो रहे, शी इज नॉट रिवीलिंग व्हाट शी इज नॉट अप्लाइंग, व्हाट शी इज अप्लाइंग. एंड व्हेन आई जस्ट इंक्वायर्ड और उससे मैं पूछती रही, तो मुझे पता लगा वो अपनी मदर का रेटिनॉल लेके लगाती है अपने सिर में. व्हाई आर यू अप्लाइंग रेटिनॉल, यू आर जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड. शी सेड कि मुझे कभी रिंकल नहीं पड़ेंगे और मैं बूढ़ी नहीं होंगी, इसलिए मैं रेटिनॉल अप्लाई करती हूँ. एंड इट वॉज लीडिंग टू पर्जिंग, शी वॉज गेटिंग सो मेनी एक्ने ऑन हर फेस एंड वो किसी भी दवाई को रिस्पॉन्ड करके ठीक नहीं हो रहे थे क्योंकि वो घर पे फिर भी रेटिनॉल सीरम यूज कर रही थी, क्योंकि दैट इज व्हाट शी सीइंग ऑन. सो दिस हैज टू बी टॉट बेसिकली कि यू डोंट नीड सो मेनी थिंग्स टू अप्लाई एंड दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मेक यू लुक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एब्सोल्युटली. सो दिस इज द थिंग. और होम केयर रेमेडीज में भी आजकल कई चीजें प्योर नहीं है, जैसे बेसन में है कई बार वो एडल्ट्रेटेड है, पेशेंट एलर्जीज लेके आते हैं.
कई बार वार्ड्स के पेशेंट आए, हम लोग उन्हें ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं तो वो गार्लिक लगा लेते हैं अपने फेस पे। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं कि उनके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया क्योंकि इतना सीवियर बर्न कॉज किया उन्होंने, उनका अपर लिप पूरा का पूरा टेढ़ा हो गया क्योंकि उन्होंने वहां पे चूना केमिकल ये सारे तरह के जो है बर्न्स लगाए जस्ट टू सेव द मनी दे हैव टू स्पेंड इन द हॉस्पिटल टू गेट देमसेल्फ्स ट्रीटेड। एग्जैक्टली, तो सेल्फ अपॉइंटेड डॉक्टर नहीं बनना है। सर मैं क्लोजिंग कमेंट आपका चाहती हूँ, मिनिस्टर साहब आ गए, बस ये बच्चों को हम देखते हैं आजकल बहुत आता है बच्चे के लिए लिपस्टिक, बच्चे के लिए नेल पेंट, बच्चे के लिए, और बच्चों में भी बड़ा है वो देखते हैं तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू मेकअप। आई हैव वन एट होम ऑल्सो, शी इज 8 एंड शी वॉन्ट्स टू डू एग्जैक्टली वॉट आई डू। तो वॉट इज द राइट एज? Right age for what? To use makeup and how badly these products which are being marketed for the kids affect. Marketing pressure is huge, and then we live in this age of hyper reality, where जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि that perfect sort of skin tone and everything. There is so much of pressure on young kids less than 10 years. They have their own Instagram accounts and so many other things. So that is again, that's a bigger issue. So as to say, much bigger than just the skin issue. Or there is no right age per se. Obviously, once the kids reach teens, they want to experiment so much. They want to, and that is something that is natural. So at the governmental level, there have to be more stringent actions in terms of making sure that all the cosmetics. Currently there is less stringency. आप यूरोप और इंडिया को कंपेयर करेंगे तो आपके कॉस्मेटिक के ऊपर क्या केमिकल जा रहे हैं, whether they are parabens free और क्या क्या उनके अंदर है वो नहीं है, so that should be there because we know that there are certain chemicals which are known to be highly allergenic, so that should be there, and then apart from that at a society level or at a family level we need to educate our kids at an early age that fairness is not ब्यूटी एंड ऑन दीज लाइन्स ओनली, दैट इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर किड्स। ठीक है, तो आपने जो भी गवर्नमेंट के लेवल पे बात की वो मिनिस्टर साहब ने सुन ली होगी क्योंकि जिस तरह से बच्चों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जा रहे हैं, उनकी पब्लिसिटी होती है, उन्हें मार्केट किया जाता है, तो गवर्नमेंट आई एम श्योर दे मस्ट बी कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट एंड दे आर गोइंग टू यू नो पुट द रिस्ट्रिक्शंस। हम लोगों का जो मेन रोल है सोसाइटी में वो ये है कि एज ए डॉक्टर्स हम लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि अर्ली एज में उन्हें क्या अप्लाई करना है, आफ्टर 25 क्या, 30 क्या। एब्सोल्युटली एजुकेशन, बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड देना चाहिए। बॉडी डिस्मॉर्फिया इज अ रियल प्रॉब्लम, उनको नहीं समझ में आता है कि उनकी बॉडी डेवलप नहीं हुई है, दैट इट इज नॉर्मल टू हैव दिस, नॉर्मल टू हैव दैट। आजकल 15-16 ईयर्स टीनेजर गर्ल्स आर कमिंग की आई वॉन्ट चेंजेस इन माई बॉडी, कि इम्प्लांट्स चाहिए, ये चाहिए, लाइपोसक्शन चाहिए, एंड द अमाउंट ऑफ बॉडी डिस्मोफिया एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट दे गोइंग थ्रू। हमें लगता है कि हम बड़े हैं कि हमें इतना स्ट्रेस, बच्चों को क्या पता स्ट्रेस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट दे गो थ्रू इज टेरिफाइंग। बिल्कुल बिल्कुल, कि तभी तो हम कह रहे हैं कि $8.1 बिलियन जो है वो ऑलरेडी 2022 में है और 23 में है और 18.4 बिलियन हो जाएगा एंड दे ग्रो अप टू बी एडल्ट्स एंड द सेम किड्स आर गोइंग अप टू बी एडल्ट्स एंड दे आर गोइंग थ्रू द सेम साइकिल। जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि मिनिस्टर साहब यहाँ पे, आई एम सॉरी आई डिडंट अलाउ यू टू कैरी ऑन, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बट थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टे ऑन स्टेज, नाउ इट्स टाइम टू फेलिसिटेट आवर गेस्ट। इसके लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर जगमीत जम्मू, रिटेल बिजनेस हेड, हिंदी स्पीकिंग, मार्केट न्यूज 18, टू प्लीज कम ऑन स्टेज टू फेलिसिटेट आवर ऑनरेबल गेस्ट। First we have Dr. Varun Singla, MBBS, MS General Surgery, MCH Plastic Surgery Alchemist. Thank you so much, sir. Then we have Dr. Parminder Chaman, MD Panache Skin, Hair and Laser Clinic. Then we have Dr. Rahul Mahajan, Additional Professor, Department of Dermatology, PGI-MER.